बहुत ज़्यादा याद आती है मेरा बहुत मन करता है कि मैं कब स्पेशल दैट वी वॉन्टेड टू बी परफेक्ट वैन वी डू सबसे ज़्यादा करने में मुझे uh, मज़ा तो एक्टिंग आता है बिकॉज वो मैं बचपन से कर रही हूँ और उसके लिए आई थिंक मेरे दिल में एक बहुत अलग जगह है जो कोई और चीज़ मुझे नहीं लगता कभी ले पाएगी ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं बट सिंस मैंने एक्टिंग से स्टार्ट किया था और uh, इतने सारे रोल्स किए इतना कुछ किया इतना टाइम दिया अपनी लाइफ का आई थिंक मेरा पूरा चाइल्डहुड एक्टिंग करते हुए ही गुजरा है सो एक्टिंग हमेशा स्पेशल रहेगी और जहाँ तक मज़ा आने की बात है तो जो मैंने रियलिटी शो किया था उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था जिसको मैं अभी भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ तो मज़ा मज़ा मुझे उसमें बहुत आया था और सिंगिंग की जहाँ तक बात है ये बहुत अलग चीज़ है जो मैं कर रही हूँ और ऑनेस्टली मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं सिंगिंग कभी करूँगी तो so, सिंगिंग मेरे लिए बहुत अलग चीज़ है और ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज मैं इसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रही हूँ और आ, ऐसे वो देखा जाए तो मतलब मैंने अपने ट्वेंटी वेन एम इज ट्वेंटी मैंने तब बाबू शोना मोना मेरा सिंगल रिकॉर्ड किया था एंड दैट्स व्हेन आई थिंक इट वाज़ अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू करियर बिकॉज एक्टिंग इज़ अ टोटली डिफरेंट करियर एंड सिंगिंग इज़ अ डिफरेंट करियर सो आई स्टार्टेड ऑफ विद अ न्यू करियर जिसमें मुझे और काम करना है सक्सेसफुल होना है प्रूफ करना है अपने आप को अच्छे गाने गाने सो आई थिंक हर एक चीज़ का अलग ही स्पेशल एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा मन करता है मतलब सच में आ, जो हम एक्टिंग कर लेते हैं या अगर हमने कोई म्यूज़िक वीडियो किया या मैंने पहले भी काफ़ी म्यूज़िक वीडियोज़ किए हैं जो नॉर्मल हम शूट्स कर लेते हैं ब्रांड्स का ये हो उसमें वो बात ही नहीं है जो हम एक प्रॉपर एक्टिंग और सीन्स और वो वाली एक्टिंग करने में है तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है मेरा बहुत मन करता है कि मैं कब वो सब चीज़ें वापस करूँगी बट द ओनली थिंग इज़ नहीं करना भी इज़ वॉट एम चूजिंग टू डू ऐसा नहीं है कि मुझे ओ uh, टी के लिए या फिर फिल्म के लिए वो नहीं आता बट द ओनली थिंग इज़ वी आर वेटिंग फॉर द राइट वन एंड द फैक्ट दैट वी आर चूजिंग टू बी चूज ही इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग बिकॉज इट इज़ सो स्पेशल दैट वी वॉन्टिड टू बी परफेक्ट वैन वी डू समथिंग लाइक दैट क्योंकि इतना साल का ब्रेक हो गया है तो अब हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहेंगे कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट